हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ कुंदरू की सब्जी। उसके लिए मैंने 150 ग्राम कुंदरू लिए हैं, 2 आलू लिए हैं, 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्ची ली है, 1 पाव चम्मच हल्दी लिया है, नमक स्वादानुसार और तेल 30 ग्राम। कुंदरू को धोकर सुखा लिया है। अब उसको बीच में चीरा लगाएंगे, साइड में से थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। आलू को धोकर छीलकर लंबा लंबा काट लेंगे। अभी मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब कुंदरू में मसाला भर लेंगे। तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अभी पहले आलू डालेंगे। आलू को मिक्स कर लेंगे। अब कुंदरू डाल देंगे। मिक्स करके ढक्कन लगा कर रख देंगे धीमी आंच पर। सात मिनट के बाद खोल के देखेंगे। इसको पलटा देंगे। इसको फिर से ढक्कन लगा कर रख देंगे। फिर 5 मिनट हो गए, उसके बाद फिर खोल के देखते हैं। इसको फिर पलटा लेंगे। इसको बीच बीच में 2-3 बार पलट के देखना है। कुंदरू में मसाला भरा था, बाकी मसाला बच गया था, वो बाद में डालेंगे। इसको
इसको धीमी आंच पर जितनी ज्यादा देर पकाएंगे उतनी स्वादिष्ट सब्जी बनती है। अभी बचा हुआ मसाला डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे। सर्व करते तैयार है कुंदरू की सब्जी। सलाद और मूंग के साथ कुंदरू की सब्जी। आप भी जरूर ट्राई करें।